नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट पावर बीआई। तो पिछले वीडियो में हमने आपके साथ बातचीत की थी कि पावर बीआई कब, कैसे, क्यों यूज करेंगे, क्या बेनिफिट्स है वगैरह। आज हम पावर बीआई में कुछ खास नहीं कराने वाले, हम जस्ट बताने वाले हैं कि क्विकली डैशबोर्ड कैसे बन जाता है पावर बीआई, सिंपल सी। तो अगर आपने पूरी पावर बीआई की पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाएं, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च करें, वहां से आप ले सकते हैं हमारे पावर बीआई के रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि app.iptindia.com के थ्रू भी जाया जा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भरा हुआ है, ये रहा पावर बीआई कोर्स। इस पावर बीआई कोर्स में देखेंगे तो इसमें पुराने और नए दोनों कोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पुराना कोर्स, इसमें 97 वीडियोस अवेलेबल है, और ये जो नया कोर्स जिसमें अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है और मे बी एक हफ्ते के अंदर में इसमें रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी आ जाएगी। इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें सारे डाउट क्वेश्चन लेना चाहें, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं पावर बीआई लाइव क्लासेस में, जो कि हमारी शुरू हो रही है September 7 से रात को 10 बजे, 10 से 11, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन। एक क्लासेस होगी आपकी 1 आवर की डेली, और 2 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन होगा, जिसमें हम पावर बीआई के सारे फीचर्स को कवर करेंगे। साथ में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, क्लास वीडियो मिलेगा, एवरीथिंग होगा। इस कोर्स को 1-to-1 करते हैं, जिसकी फीस होती है 10,000, लेकिन ये आप ग्रुप क्लास का 2,000 पे करेंगे। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना सीट रिजर्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये हमारी पावर बीआई की दूसरी वीडियो है, और दूसरी वीडियो में हम पावर बीआई से रिलेटेड कुछ और चीजें नहीं, बस एक चीज दिखाना चाहते हैं कि पावर बीआई में हम कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। तो मेरे पास एक एक्सेल सीट पे डेटा है, जो कि देख पा रहे हैं कि सेल्स का डेटा है, जिसमें SID है, डेट है, रीजन है, स्टेट है, सेल्स चैनल है, किस सेल्स चैनल में कितनी क्वांटिटी, किस रेट से, कितनी अमाउंट को, किस प्रॉफिट मार्जिन पे बिका, कितनी प्रॉफिट हुआ, डिलीवरी डेट कौन सा, किस डेट को डिलीवरी हुआ, कितना डिलीवरी कॉस्ट लगा, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए, किसने सेल किया, और उसका सेल करने का टारगेट क्या था। सिंपल ही डेटा है। अब इस डेटा पे मुझे एक सेल्स डेटा डैशबोर्ड बनाना है एनालिसिस करके, तो क्या करूंगा, मैं पावर बीआई को ओपन करूंगा, इस ब्लैंक रिपोर्ट जो दिख रहा है उस पर क्लिक करूंगा, और पावर बीआई का अपना डेटा नहीं होता है तो मुझे डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी एक्सेल है और यहाँ भी एक्सेल है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप चले जाइए कहाँ पे, अपने लोकेशन पे जहाँ आपका डेटा है, डेटा को सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन। इसकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी जस्ट लाइक एक्सेल की तरह है, कि एक्सेल में जैसे डेटा आप इम्पोर्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ डेटा आपको दिख गया, डेटा को वेरीफाई कीजिए और ये चेक बॉक्स जो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए। तो इसको क्लिक करके जैसे ही इसको लोड पे क्लिक करेंगे, लोड करते ही आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। पिवट टेबल की तरह ही है, बिल्कुल पिवट टेबल को कह सकते हैं कि एडवांस कर दिया गया है, पिवट टेबल की तरह ही बिल्कुल है, ये सारे डेटा आ गए। डेटा को एक बार क्रॉस चेक करना है तो ये रहा टेबल व्यू, जहां जाइए डेटा दिख जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज जो दिख रहा है डेसिमल्स में है, तो इसको सिलेक्ट करके इसकी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर दिए। प्रॉफिट अमाउंट भी डेसिमल में है तो मैं इसको डेसिमल हटा दें। इस तरह से चीजें हमने चेंज कर दी। अब यहाँ पे हम आते हैं डैशबोर्ड। अगर मैं डैशबोर्ड के पीछे के बैकग्राउंड वगैरह लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। यहाँ फॉर्मेट में गए, एक वॉलपेपर पे गए, अपनी जो वॉलपेपर एक है चूज कर ली। इसके लिए मैं इसको डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ था, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। तो मैं ए वाला वॉलपेपर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अभी जो वॉलपेपर सिलेक्ट किया था, इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करता हूँ, देन ओपन करता हूँ। ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल के जगह पे इसको करता हूँ फिट, ये पूरे रिपोर्ट में फिट हो गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी वह थोड़ा सा कम। अब सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स में कुछ स्टैटिक डालना चाहता हूँ, तो ये कार्ड दिख रहा है, इस कार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉप किया, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। इसमें कोई फॉर्मूला का झंझट नहीं, कोई पिवट का झंझट नहीं, बस उठाया, ड्रॉप किया, बन गया।
और इसको अच्छी फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। इसकी फॉर्मेट में जाके मैंने इसको बैकग्राउंड पे गया, इफेक्ट पे गया, बैकग्राउंड ऑफ किया और शैडो ऑन कर दिया, और यहाँ बॉर्डर दिया, बॉर्डर की कलर चेंज किए, बॉर्डर की कलर व्हाइट दे दिया और इसकी कर्व को बढ़ा दिया 15। तो इस तरह से आ गए। अब सम ऑफ क्वांटिटी है तो इसको चेंज करना चाहो तो ये यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पर रिडेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्लासेस के अंदर में आपको अच्छे तरीके से दिखाएं इस तरह से। अब इसी को मुझे और भी चाहिए तो मैं इसी को लूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा। अब इसमें से सम ऑफ क्वांटिटी को हटा के मैं यहाँ पे अपना अमाउंट रख देता हूँ, रहा अमाउंट, फिर इसको कॉपी किया, इसी पे पेस्ट किया, इसको आगे ड्रैग किया। इसमें मुझे मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शो करना है, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट अमाउंट को डाल दिया आगे। उसके बाद फीस को कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। मुझे यहाँ पे चाहिए रेट ऑफ मार्जिन, तो मैंने यहाँ से हटाया और ये रहा हमारा रेट ऑफ मार्जिन को रख दिया, और इसको मुझे चाहिए सम नहीं एवरेज, एवरेज ले लिया, ये हमारा रेट ऑफ मार्जिन। तो आप इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, मुझे यहाँ पे रेट चाहिए तो इसको हटाया और मैंने एमआरपी को यहाँ रखा, इस एमआरपी को मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया। अब इसकी डेसिमल्स वगैरह है तो यहाँ वैल्यू में जाके इसकी डेसिमल्स को ऑटो की जगह पे जीरो कर दीजिए, डेसिमल गायब हो जाए। इसमें भी सेम कर सकते हैं ऐसे, ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे शेयरिंग देता हूँ, साइड में चाहिए, सॉरी साइड, और इसमें मुझे चाहिए अपने सेल्स चैनल के हिसाब से कंट्रीब्यूशन, सेल्स चैनल्स, और मैं क्वांटिटी बेस बना रहा हूँ तो मैंने क्वांटिटी को सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे लेवल डिटेल, यहाँ पे लेवल डिटेल रहेगा, यहाँ पे लेजेंड हटा दिया मैंने और इसकी बैकग्राउंड कलर भी हटा दीजिए, इफेक्ट में जाकर शैडो ऑन कर दीजिए, इस तरह से दिखेगा। फिर मैं यहीं पे आता हूँ, मैं अपना ये लेता हूँ गट चार्ट, जिसमें मैं ये दिखाने वाला हूँ कि हमने टारगेट कितना अचीव किया है। तो यहाँ पे मैंने अपना क्वांटिटी डाला और इसकी जो मैक्सिमम दिख रहा है, इस मैक्सिमम वैल्यू में हम अपनी टारगेट को डाल देते हैं। तो इस तरह से आ गया। इसकी भी मैं जो है यहाँ पे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, इफेक्ट शैडो डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसकी कलर को चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पे मुझे और कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे अपना डिलीवरी, यहाँ इसको ले लीजिए, चाहे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया पेस्ट, और इसको उठा के मैंने डिलीवरी कॉस्ट, आप देख सकते हैं कि हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है और हम डेटा को डाल रहे हैं हल्के में और हमारा ये बन रहा है। यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ हम अपना सेल्स का फ्लो देखना चाहते हैं तो आप सेल्स का फ्लो भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सेल्स डेटा चाहिए तो मैंने टेबल लिया है और टेबल को मैंने यहाँ लिया और इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया, और इसमें मुझे चाहिए जैसे कि मैंने अपनी एसआईडी लिया, एसआईडी को डाला और काउंट की जगह मुझे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे डॉन समराइज कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डाला, मुझे चाहिए यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, कितनी सेल हुई, कितना टारगेट था वो डाल दिया हमने, यहाँ पे ये चेक करना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज था, और इसके बाद हमने यहाँ पे डाला कि कितना प्रॉफिट अमाउंट आया। और किस रेट में बिका, डिलीवरी कॉस्ट कितना लगा, किस डेट को डिलीवर। अब इसमें देखिए जो हमने यहाँ डेट डाला है, शिपिंग डेट हेरिकल हो गया, इसको हटा के डिलीवरी डेट डाल, डिलीवरी डेट आ गया, इसकी आपकी पूरी याद। अब इसमें मुझे कुछ
ये लगाने हैं, फिल्टर्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि यहाँ लिया और इसके ऊपर मैंने अपना रीजन डाल दिया, और यहाँ स्लाइसर में गए और इसकी स्लाइसर सेटिंग को वर्टिकल के जगह पे टाइल कर दिया, और इसको थोड़ा सा लंबा किया और यहाँ रख दिया। इसमें जो टाइटल है इस टाइटल को हटा देता हूँ, फिर आइकन स्लाइसर टाइटल, और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसकी बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इफेक्ट हटा देता हूँ, नहीं चाहिए शैडो डाल देता हूँ, शैडो चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसको और भी अच्छे से फॉर्मेटिंग की जा सकती है, बट फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ सेंट्रल पे क्लिक करूंगा, सेंट्रल पे क्लिक करते ही रिपोर्ट हमारी बन सारा रिपोर्ट इसी वर्ड यहाँ। अब इसको मुझे क्या करना है, मोबाइल लेआउट में लेके जाना है। तो ये रहा हमारा मोबाइल लेआउट, इसमें आइएगा और यहाँ ऑटो क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली मोबाइल के अकॉर्डिंग कर देगा। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हुआ है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इसको उठा के इसके ऊपर आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट को मोबाइल में खोला तो उसी हिसाब से इसको दिखना चाहिए, ये चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट बन गई इसको, तो अब क्या करें, तो इसको सेव कीजिए, सेव कीजिए किसमें, इसको सेव कीजिए, सेव कीजिए, अपना डेटाबेस नाम दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट डैशबोर्ड हमने दिया, फर्स्ट डैशबोर्ड, और इसको हमने सेव कर दिया एक लोकेशन में, कोई भी लोकेशन यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ मोर ऑप्शन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पे आप ब्राउज दिस डिवाइस पे जाइए और लोकेशन चूज कीजिए कि आपको लोकेशन कहाँ रखना है। तो मैं पावर बीआई के अंदर फाइनल के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट डैशबोर्ड, और यहाँ पे इसको कर दीजिए सेव। अब इस फाइल को भेज दीजिए, अदरवाइज इसका इसको भेजने का एक और तरीका है कि आप इसको यहाँ से पब्लिश कीजिए, पब्लिश करने के बाद माई वर्क स्पेस में सेलेक्ट कीजिए और ये चला जाएगा आपके वेब कंसोल पे। तो ये वेब कंसोल पे चला जाएगा यहाँ पे, तो आपको वेब कंसोल ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है app.powerbi.com, वहां पे आपको ईमेल आईडी जो मैंने दिया या जो आपकी कंपनी ने दिया या फिर कि आपने साइन अप किया है आपको यहाँ पे लेनी होगी। याद रखिएगा ये जो आईडी है सिर्फ कंपनी की आईडी मिलती है, कंपनी के पास कंपनी की ईमेल आईडी आपके पास है तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे लिखिए कि पावर बीआई, सर्च कीजिए पावर बीआई पे जाइए और ट्राई फ्री पे चले जाइए। ट्राई फ्री पे जैसे जाएंगे तो आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे पूछेगा, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी, लेकिन यहाँ में क्या, अगर जीमेल वगैरह की डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, साइन अप नहीं करने देगा, ठीक है, नहीं करने दे रहा, तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए, तो ये आपकी कंपनी ईमेल आईडी, या फिर आप मेरी कोर्स को परचेज करते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसकी वर्क स्पेस में जाके देखिए, माय वर्क स्पेस में ये जो हमने पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाया है ये देखिए यहाँ पब्लिश हो चुका है, सक्सेस है फर्स्ट डैशबोर्ड के नाम से। अब मैं यहाँ अपने पावर बीआई की इस पे आता हूँ, तो इसमें देखिए फर्स्ट डैशबोर्ड, ये आपका डेटा सेट हो गया, ये आप देखिए कोई भी पर्सन के डेटा को देख नहीं सकता, डेटा के लिए डेस्कटॉप पे ही आना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, डेटा ऐसे नहीं देखा जा सकता है। और मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड यहाँ आपको दिख जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे है उसे यूज कर सकता हूँ। इसके अगर आपकी कंपनी में पावर बीआई यूज हो रही है तो यहाँ पे पावर बीआई की आईडी को डालिए और शेयर कर दीजिए, लिंक कॉपी करके शेयर कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वही कुछ देख पाएगा जिसके पास पावर बीआई का होगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। अदरवाइज आप इसकी क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पब्लिकली मैं भेजूं जिसके पास पावर बीआई नहीं है वो भी इस रिपोर्ट को देख सके, तो इसको एम्बेड पब्लिक ऑन वेब करना होगा, कंटिन्यू कीजिए एंड पब्लिश कीजिए।
अब ए पावर बी आई का जो लिंक है, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कीजिए और किसी भी ब्राउजर पे जाके डाल दीजिए, यहाँ आपको दिख जाएगा। और यही दिखेगा ही नहीं, ये आपका यूज भी होगा। तो देखिए, मैंने करीब पढ़ाते हुए समझाते हुए इस रिपोर्ट को 10 से 15 मिनट में बना दिया। अब इसी रिपोर्ट को अगर मुझे एक्सेल पे बनाना हो, अगर एक्सेल पे जैसे मान लीजिए इसी रिपोर्ट को, इसी डेटा के ऊपर अगर रिपोर्ट बनाना हो एक्सेल पे, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा हूँ, तो इस रिपोर्ट को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। 1 घंटा तो प्लस लगेगा, बहुत ही चैंपियन है फिर भी आपको 1 घंटे के आसपास लग जाएगा, क्योंकि आप डेटा को लेंगे, इसको समराइज करेंगे, देन इसको विजुलाइज करेंगे, चार्ट्स और बाकी चीजें बना के अरेंज करेंगे, तो टाइम लगेगा, बट इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आप भी ये डेटा सेट को डाउनलोड कीजिए और आप ट्राई कीजिए इस तरह की रिपोर्ट बनाने की। ट्राई कीजिए पावर बीआई को, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगली वीडियोज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पावर बीआई इंटरफेस, जब पावर बीआई खोलते हैं तो क्या है, कैसे है, क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग और स्टॉप्ड। आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये क्लासेज ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक